तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, फ्लड वेशन। ये भी एक जीएफजी का एसडी शीट का पार्ट है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ग्राफ का प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टेक्स। हर पेयर ऑफ वर्टेक्स में हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ गिवन एज वेटेड ग्राफ। एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया हुआ है। द ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, जिसका साइज क्या है, एन क्रॉस एन। मैट्रिक्स ऑफ आई जे डिनोट द वेट ऑफ द एज फ्रॉम आई टू जे। मैट्रिक्स में जैसे ये 25 है, तो ये देखो कौन सा वाला है, 0 1, यानी 0 से 1 जाने के लिए, यानी आई से जे जाने के लिए जो वेट होगा वो दिया होगा। अगर कोई वैल्यू पड़ा है तो, अगर उस पोजिशन पे -1 पड़ा है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी एच नहीं है आई से जे के बीच। डू इट इन अ प्लेस, इसका क्या मतलब है कि हमें जो आंसर है, मैट्रिक्स है, आंसर में देखो क्या करना है, इस मैट्रिक्स में ही चेंजेस करने हैं। देखते हैं क्या चेंजेस करने हैं इस प्रॉब्लम को देखते पहले। तो अब इसको देखो ग्राफ के फॉर्मेट में कैसे है? ये दिया हुआ है, देखो यहाँ से मैट्रिक्स दिया हुआ है कि जीरो, ये जीरो रो है, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है। तो जीरो रो से जीरो जाने के लिए 0 है, फिर 1 है, 43 है। ये देखो इस तरह से फिल कर दिया, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। इस मैट्रिक्स में क्या मतलब है, जैसे मैं 0, 0, 1 देखता हूँ, 0, 1, इसका मतलब 0 से 1 जाने के लिए जो वेट होगा वो मैट्रिक्स के अंदर रखा होगा। जैसे 0 से 1 देखो, 0 से 1 एक वेट से जा सकते हैं, ठीक है। इसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ में देखे तो हमारे पास एक 0 है नोड, एक 1 है और एक 2 है, जो इसका साइज है उतने तक हो। 0 से 0 जाने के लिए 0 है, 0 से 1 जाने के लिए कॉस्ट है 1, तो 0 से 1 जाने के लिए कॉस्ट है 1। 0 से 2 जाने के लिए देखो 43 है, 0 से 2 जाने के लिए, अब डायरेक्टेड है इसलिए एरो बनाना पड़ेगा, 43 है। फिर देखो ये ख़त्म हो गया पूरा, 1 से 0 जाने के लिए, 1 से 0 जाने के लिए कितना कॉस्ट है 1, तो 1 से 0 देखो ऐसे जाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ 1। 1 से 1 पे तो 0 ही होगा, 1 से 2 जाने के लिए कॉस्ट है 6, 1 से 2 जाने का कॉस्ट है 6। फिर 2 पे आते हैं, 2 से 0 जाने का कॉस्ट है -1, -1 मतलब कोई भी एज नहीं है, हटाओ इसमें भी नहीं है, 2 से 2 जाने का 0। तो ये इस तरह का ग्राफ है। 1 हमें क्या रिटर्न करना है, ये शॉर्टेस्ट क्या पॉसिबल है, तो इस मैट्रिक्स को दोबारा से रिफिल करना है। देखो कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 0 1 एंड 2। तो 0 से 0 तो 0 ही होगा, 0 से 1 से 1 भी 0, डायगनली सारे 0 होंगे ना, क्यों होंगे, क्योंकि 0 से 0 जाने का क्या होगा, नोड से नोड जाने का 0 ही होगा, ठीक है। अब देखो 0 से हमें 1 जाना है, यहाँ पे फिल करने के 0 से 1 के क्या क्या पाथ है, देखो एक तो डायरेक्ट 0 से 1 जो मैं जा रहा हूँ, ये तो ये पाथ विद द कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है। और क्या है, 0 से मैं 2 की हेल्प ले सकता हूँ, देखो 0 से 1 जाने के लिए पहले मैं 0 से 2 जाऊँगा, फिर 2 से 1 चला गया, तो 0 से 2 जाने का कॉस्ट 43 दे रखा है प्लस, अब 2 से 1 जा ही नहीं सकता, देखो 2 से 1 कोई एरो नहीं है, यानी ये पाथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 0 से मैं क्या 1 के थ्रू जा सकता हूँ, तो 0 से 1, तो यानी इस केस में 1 ही आएगा और कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है। अब देखते 0 से 2 जाना है, तो 0 से 2 जाने का देखो एक तो डायरेक्ट पाथ है 0 से 2, जो कि 43 हमें दे रखा है, 43। और देखो किसी की हेल्प से जा सकते हैं, किसी नोड की हेल्प से, तो देखो जा सकते हैं, 0 से हमें 2 जाना है, उससे हम 1 की हेल्प ले सकते हैं, देखो 0 से पहले मैं 1 गया प्लस, फिर 1 से मैं 2 चला गया, कौन सा पाथ है ये देखो, ये वाला 0 से पहले मैं 1 गया, ये वाला पाथ 0 से 1 गया विद द कॉस्ट ऑफ 1 प्लस, 1 से मैं 2 चला गया विद द कॉस्ट ऑफ व्हाट, 6, टोटल क्या गया 7। इनिशियली मैं किससे जा रहा था, 43 से, देखो डायरेक्ट जाना 0 से 2, 43 दे रखा है। और हमें एक और छोटा पाथ मिला कि अगर मैं 1 की हेल्प ले लूं तो मैं 7 कोस्ट में जा रहा हूं, तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 7, तो यहां 7 फिल हो गया।
ठीक है, समझ रहे हो प्रॉब्लम में क्या है? यही ऐसे ही सब में फिल करना है हमें। अब ऐसे ही हमें देखो, वन से जीरो के लिए हमें देखना है वन से जीरो का क्या क्या पाथ है। तो इसमें बस ऐसे ही सोचना है कि हर नोड के लिए, एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारे पास। तो अभी देखो इनिशियली क्या है, हम जीरो से टू कैसे जा सकते हैं। देखो जीरो से टू कैसे जा सकते हैं कि एक भैया डायरेक्ट दिख रहा है 43 कोस्ट से मैं यहाँ चला आया 43। और देखो हमें इसमें क्या करना है, अब जीरो से टू जाने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। किसी भी नोड का हेल्प ले सकता हूँ मैं जीरो से टू जाने। जैसे मैं सपोज करूँ मैं वन का हेल्प लेके गया, जीरो से टू जाना था, मैं कहा कि पहले जीरो से मैं वन चला गया प्लस वन से मैं जीरो चला जाऊंगा। देखो इसमें भी तो सेम ही कर रहा हूँ ना, जीरो से टू जाने डायरेक्ट नहीं जा रहा, मैं किसी नोड की हेल्प ले रहा हूँ। तो देखो कोस्ट निकालो, जीरो से वन कितनी कोस्ट है, वन प्लस वन से जीरो कितनी कोस्ट है, सिक्स, ये सेवन। ये डायरेक्ट मुझे 43 पे ले जा रहा था, ये मुझे सेवन पे ले जा रहा था। बताओ मिनिमम कौन सा है, ये वाला ना। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना है। फ्लड वेसल अगर एल्गोरिथम पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वैसे इंट्यूशन इसमें कुछ है नहीं, अगर तुमने पहले से इसे कर रखा है तो हो जाएगा प्रॉब्लम, नहीं तो मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट यही है इसमें कि हमें एक आई और जे, नोड आई से नोड जे पे जाने हैं। तो उसके क्या हो सकते हैं कि एक और, जैसे इसमें तीन नोड है, जीरो वन एंड टू। तो मुझे पता करना है जीरो से लेकर के, जीरो से टू जाना है, टू के लिए क्या क्या पाथ है। तो देखो क्या क्या पाथ हो सकते हैं कि जीरो से टू एक डायरेक्ट पाथ हो गया, एक जीरो से मैं वन की हेल्प लेकर के जाऊँ, यानी जीरो से वन। एक बार ग्राफ थोड़ा बड़ा लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है इसका, देखते हैं। इनिशियली देखो जी सोर्स जीरो से जीरो जाने का डिस्टेंस क्या होगा, वन से वन, टू से टू, थ्री से थ्री, ये तो जीरो होंगे क्योंकि इस नोड से इसी नोड पे जाने का डिस्टेंस तो जीरो होगा, ठीक है। तो इसको पहले फिल कर लेते, ये जीरो आएगा, ये भी जीरो, ये जीरो, और ये बाकी देखो जीरो से वन, जीरो पहले इस जीरो रो को भरते हैं। जीरो से हम वन पे जा सकते हैं क्या, जीरो से वन, जीरो से वन जा सकते हैं विद द कोस्ट ऑफ थ्री, तो थ्री आ गया। जीरो से क्या टू पे जाया जा सकता है, टू पे देखो नहीं जा सकते इनिशियली, तो इसको इनफाइनाइट ले लेंगे, इन्फिनिटी। जीरो से क्या थ्री जा सकते हैं, जीरो से थ्री, यस, विद द कोस्ट ऑफ ई ए फाइव दे रखा है। फिर वन से जीरो जा सकते हैं, वन से जीरो जा सकते हैं क्या, हाँ, विद द कोस्ट ऑफ टू। वन से टू जा सकते हैं क्या, वन से टू जा सकते हैं, अभी तो नहीं जा सकते, इन्फिनिटी। वन से थ्री जा सकते हैं, वन से थ्री, यस, विद द कॉस्ट ऑफ फोर। टू से जीरो जा सकते हैं, टू से जीरो, टू से जीरो अभी नहीं जा सकते। टू से वन जा सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ वन। टू से थ्री जा सकते हैं, नहीं। थ्री से जीरो जा सकते हैं, नहीं। थ्री से वन जा सकते हैं क्या, नॉट एट ऑल। थ्री से टू जा सकते हैं, यस, विद द कोस्ट। इनिशियली क्वेश्चन में देखो ये दिया होगा, ये इन्फिनिटी है, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो जीरो से टू, जीरो से टू को इन्फिनिटी दे रखा है, जीरो से टू कोई पाथ नहीं। पर अगर इस ग्राफ को देखोगे तो जीरो से टू मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, जीरो से टू पे जाना है मुझे। तो अगर मैं थ्री नोड का हेल्प ले लूँ, ध्यान से देखो, जीरो से थ्री, पहले मैं थ्री चला गया और फिर टू चला गया। देखो एक डायरेक्ट पाथ नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट पाथ तो है, यानी अभी तो हमारा जीरो से टू क्या है, इनफाइनाइट। अगर मैं ये थ्री की हेल्प ले लूँ, समझ रहे हो, थ्री की हेल्प ले करके मैं यहाँ पहुँचता हूँ, तो ये फाइव प्लस टू सेवन आएगा, जो कि इन्फिनिटी से कम है, यानी वो अपडेट हो सकता है। और भी देखो जीरो से टू कैसे जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोड वन, जीरो से पहले मैं वन चला गया, फिर वन से वापस थ्री गया, फिर यहाँ आया। देखो मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। बस फ्लड वेसल में यही होता है कि हर नोड पे, जैसे जीरो पे खड़ा हो, इस नोड से बाकी हर नोड पे मैं जाने के लिए कोस्ट निकालूंगा और उनमें से जो मिनिमम होगा उसे रिटर्न करूंगा। जैसे देखो मैं इसे फिल करता हूँ, इन्फिनिटी,
ठीक है, तो आप फिल करते हैं। मान लेते हैं कि जीरो नोड है जिसकी हेल्प से मुझे बाकी पे जाना है। तो पहला जीरो से जीरो, तो वो तो जीरो ही आएगा। जीरो से वन जाना है, जीरो से वन जाना है विद द हेल्प ऑफ दिस नोड। तो जीरो से वन ऑलरेडी देखो, जीरो से वन जाना है तो या तो जीरो से पहले मैं जीरो चला गया, फिर जीरो से वन चला गया, तो वही कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी जीरो वाले में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि जीरो से तो हम ऑलरेडी जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो समझते जाना क्या कह रहा हूँ। इस सेकेंड रो पे आते हैं, देखो वन से मुझे जीरो जाना है और मैं चाहता हूँ इसकी हेल्प लेकर के, क्योंकि इनिशियली तो फिल है और कोई पाथ, सारे पाथ को हमें ट्रेवर्स करना है। तो वन से जीरो की हेल्प से कैसे जाते हैं, वन से पहले मैं जीरो चला गया प्लस जीरो से मैं जीरो चला गया। तो वन से जीरो जाने का पाथ क्या है, टू प्लस जीरो से जीरो क्या होगा, सोर्स से सोर्स जीरो ही होगा, टू। तो इसका आंसर टू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मुझे, वन से ये तो जीरो ही होगा, वन से टू जाना है, वन से टू। तो वन से टू देखो डायरेक्ट पाथ नहीं है, इसलिए कह रहे कि हर नोड से ट्रेवल्स करें। अभी तो इनिशियली नोड क्या है, जीरो। जीरो की हेल्प से कैसे जा सकते हैं कि पहले मैं वन से जीरो चला जाऊं, समझ रहे हो, वन से टू जाने के लिए, फिर मैं जीरो से कहाँ जाऊँ, टू पे, ये हो गया। तो क्या वन से जीरो पाथ है, देखो वन से जीरो, वन से जीरो, हाँ भैया देखो वन से जीरो ये वाला पाथ है ना। तो क्या है कॉस्ट उसका, टू प्लस जीरो से टू, जीरो से टू जा सकता हूँ क्या, देखो जीरो से टू डायरेक्ट पाथ नहीं है, जीरो से टू डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट पाथ है। यानी जीरो से टू जाने के लिए मुझे जीरो से पहले थ्री जाना होगा और फिर थ्री से टू जाना होगा, समझ आ रहा है। लेकिन अभी जीरो से टू जो है इन्फिनिटी है, तो अभी इसमें इन्फिनिटी रह गया। ठीक है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, वन से टू तो हो गया, वन से थ्री देखते हैं। वन से थ्री विद द हेल्प ऑफ जीरो, तो वन से थ्री कैसे जाऊंगा, पहले वन से जीरो चला गया, जीरो की हेल्प से जाना ना, फिर जीरो से थ्री गया। तो वन से जीरो देखो क्या पाथ है, कोई वन ये रहा और जीरो ये रहा, वन से जीरो कौन सा पाथ है, देखो टू कोस्ट वाला चार्जिंग। ठीक है, तो वन से जीरो का कोस्ट टू से जा सकते, जीरो से थ्री जाने का कोस्ट क्या है, प्लस फाइव। तो ये टोटल क्या आ गया है, एट आ गया। यहाँ पे मैंने एट निकाला है, इनिशियली फोर पड़ा हुआ है, मिनिमम कौन सा है, फोर ही है, तो यानी अपडेट नहीं होगा भैया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रो का। अब सेकेंड रो पे आते हैं, कोड इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस यही समझना मेन है। अब देखो टू की सेकेंड हेल्प अभी जीरो की लेनी है, जीरो नोड पे हम पड़े हुए। अब टू से मुझे जीरो जाना है, टू से जीरो जाना है, तो ऑलरेडी देखो जीरो का यूज़ हो रहा है, तो यानी इन्फिनिटी आएगा। टू से मुझे वन जाना है, अगला क्या है, टू से वन ये वाला ना, तो जीरो की हेल्प लेना है मैं, तो पहले कहूँगा मैं टू से जीरो गया प्लस, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, जीरो से वन। तो टू से जीरो क्या कोई पाथ है, टू से जीरो पाथ देखो नहीं है भैया, तो यानी ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो टू से वन नहीं हुआ। अब टू से टू जाना है हमें, टू से टू, टू से टू तो जीरो ही होगा, टू से टू जीरो हो गया। अब हमें टू से थ्री जाना है, इस पे मैं इन्फिनिटी पड़ा हुआ था, तुमने कहा जीरो की हेल्प ले लो, टू से पहले मैं जीरो गया प्लस फिर जीरो से मैं थ्री गया। टू से जीरो क्या जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, तो ये ऐसे ही रह गया। अब लास्ट रो भरते हैं हम, थर्ड रो। तो थ्री से जीरो जाना है मुझे, थ्री से जीरो तो इन्फिनिटी होगा, थ्री से वन जाना है मुझे, तो पहले मैं थ्री से जीरो चला गया और फिर मैं थ्री से सॉरी जीरो से थ्री चला गया, ये तो अगेन इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आ गया। फिर हमें इसमें जाना है, थ्री थ्री से टू जाना है, थ्री से टू लगा, थ्री से पहले जीरो चला गया प्लस जीरो से टू चला गया, थ्री से जीरो जा सकता हो गया, थ्री से जीरो कोई पाथ ही नहीं, तो ये भी नहीं हो गया। अब लास्ट थ्री से थ्री जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमने किससे एक्सप्लोर किया, जीरो वाले नोड से। अब हम वन नोड के, हम मानते हैं कि वन नोड जो है फर्स्ट नोड, उसकी हेल्प से हम बाकी नोड पे जाएंगे। ठीक है, वन की हेल्प से, तो इनिशियली यहाँ से देखो जीरो से जीरो, तो ये तो जीरो ही होगा, जीरो से वन जाना है मुझे विद द हेल्प ऑफ वन, तो ये तो जीरो से वन पे ऑलरेडी वन यूज हो रहा है, तो ठीक है मुझे जीरो से टू जाना है, जीरो से टू। अब ध्यान से देखना इसको, जीरो से टू जाना है विद द हेल्प ऑफ वन, तो पहले मैं क्या करूँगा, जीरो से वन जाऊँगा प्लस
वन से टू जाऊंगा, समझ रहे हो। जीरो से वन का कॉस्ट क्या है, जीरो से वन देखो, जीरो से वन में भी द कॉस्ट ऑफ थ्री जा रहा हूँ, क्या वन से टू जा सकता हूँ, नहीं जा सकते भैया, तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है इसको हटाओ, फिर हमें यहाँ देखना है वन जीरो से थ्री जाना है, तो वन की हेल्प से कैसे जा सकते हैं, जीरो से वन गया प्लस वन से थ्री चला गया। जीरो से वन पाथ है, जीरो से वन देखो पाथ है, हाँ थ्री कॉस्ट का, वन से थ्री पाथ है, वन से थ्री भी है विद द कॉस्ट ऑफ फोर, और सेवन आ गया, और उस पर क्या पड़ा हुआ है फाइव, अपडेट होगा नहीं होगा, तो ये हो गया जीरो रो फिल हो गया पूरा। अब हम फर्स्ट रो को फिल करते हैं, और जो फर्स्ट में भी चेंज नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट नोड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं थर्ड सेकेंड रो को बताता हूँ। सेकेंड रो, सेकेंड रो में देखो टू से जीरो जाना है हमें, टू से जीरो जाना है विद द हेल्प ऑफ वन, तो मैंने कहा टू से पहले वन चले जाओ और फिर वन से जीरो चले जाना। टू से वन देखो, टू से वन क्या पाथ है, टू से वन यस विद द कॉस्ट ऑफ वन, फिर वन से जीरो है, वन से जीरो है बिल्कुल है भैया, टू थ्री, समझ आ रहा है। देखो टू से जीरो क्या पड़ा हुआ है, टू से जीरो इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। अब हमने एक पाथ निकाल लिया है कि अगर मुझे टू से जीरो जाना है, देखो यही फ्लड वेसल में कैसे काम हो रहा है, टू से मुझे यहाँ जाना है तो डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है। देखो टू से डायरेक्ट है कोई जीरो पाथ, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इस नोड की हेल्प ले लूँ, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ गया विद द कॉस्ट ऑफ वन, फिर मैं यहाँ से यहाँ चला गया विद द कॉस्ट ऑफ टू, तो देखो थ्री आ गया, पहले इन्फिनिटी था अपडेट हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही सारे नोड के हेल्प से, देखो पहले मैंने क्या किया, जीरो नोड का हेल्प लूंगा, फिर वन का, फिर टू का, जितने भी नोड सबका हेल्प लेकर के मैं इस को अपडेट करता रहूँ, क्योंकि तो हमें देखो इन प्लेस करना है ना, अपडेट कर दिया, जो फाइनल में जो हमारे पास आउटपुट आएगा वही होगा जो हम ऑटोमेटिकली कर क्या रहे हैं। अरे यार ध्यान से देखना बस, कि सबसे पहले हम एक नोड फिक्स कर रहे हैं, जैसे वन की हेल्प लेना है जिसकी, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो टू से वन जाना है, यानी आई से मुझे अगर जे जाना है, और इसको कुछ मान लो कि ठीक है आई से जे जाना है, यानी के की वैल्यू जैसे वन है यहाँ पे, और मुझे जाना है जीरो से टू, तो मैंने कहा कि पहले जीरो से वन चले जाओ, यानी जीरो से वन क्या है बताओ, ये आई है और ये जे है, जीरो से और ये के है हमारे पास, तो पहले मैंने कहा कि आई से अगर मुझे जे जाना है तो पहले मैं आई से के चला जाता हूँ, प्लस जे से के जा सकता हूँ। अब जब इसकी कैलकुलेशन करके लाऊंगा तो हो सकता है कि ये मिनिमम आए या मैक्सिमम आए, दोनों पॉसिबिलिटी है, कि जो करंट वैल्यू जैसे इस केस में फाइव था और इस पे निकालने पे सेवन कुछ समथिंग आ रहा था, तो वो तो अपडेट होगा नहीं, तो इसलिए हमने कहा मिनिमम ले लेंगे, जो पहले से पड़ा हुआ है और जो हमने कंप्यूट किया, उन दोनों का मिनिमम, समझ रहे। तो ये इसमें इसलिए था। अब इसका कोड देखते हैं, तो देखो जहाँ जहाँ माइनस वन है ना, हमें हम क्या वहाँ पे इंट मैक्स लेके चल रहे हैं, इंट मीन सॉरी इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, वहाँ पे हम फिल कर देंगे एन इक्वल टू मैट्रिक्स मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, एक फोर लूप चलाएंगे जो कि नोड फिक्स करेगा, इंटीजर उसको क्या नाम दे, के नाम दे देते, ठीक है, के इक्वल टू जीरो, के लेस देन एन। अच्छा उससे पहले हमें क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ माइनस वन है वहाँ पे हमें इंट मैक्स करना है, तो पहले वो कर लेते हैं, फोर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आई प्लस प्लस, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे पे माइनस वन पड़ा है तो उसकी जगह हमें क्या कर देना है, मैट्रिक्स ऑफ
इंट मैक्स का ये होगा, जहां जहां माइनस वन था वहां पे मैं इंट मैक्स कर दिया। अब करते हैं आई प्लस प्लस, तो ये तो हो गया किस नोड की हेल्प लेना। उसके बाद क्या करते थे, दो फॉर लूप चलाते, एक आई के लिए और जे के लिए। फिर देखो अब क्या करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर ये उस वैल्यू पे जैसे मैं ये निकाल रहा हूँ आई से के जाना है, और यहाँ पे अगर ये पहले से ही इंट मैक्स पड़ा हुआ है इसकी जगह, तो इसमें मैं कुछ भी ऐड करूँ, देखो इंट मैक्स ही होगा, तो वो ऑपरेशन करने का नीड है। तो बस एक चेक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना है। हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई से जे जाना है, वो क्या होगा मिनिमम ऑफ जो मैट्रिक्स में पहले से पड़ा हुआ है यानी आई जे, ठीक है। और दूसरा क्या था कि हम के की हेल्प लेंगे, यानी पहले आई से के जाएंगे प्लस के से जे जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जो मिनिमम होगा इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इस पे जो वैल्यू ये जो ऐड कर रहे हैं ये पहले से इंट मैक्स पड़ा हुआ है, तो उस कैलकुलेशन में करने की नीड ही नहीं है। यानी मैट्रिक्स ऑफ ये जो वैल्यू आई के ये नॉट इक्वल टू इंट मैक्स होना चाहिए, एंड मैट्रिक्स ऑफ के जे नॉट इक्वल टू इंट मैक्स। ठीक है, समझ गए कि अगर इंट मैक्स नहीं है तो एडिशनल वाला ये करना, अदरवाइज इंट मैक्स ही होगा सबसे मैक्सिमम, ठीक है। और फिर इस ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि देखो फाइनल आंसर में, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये माइनस वन का माइनस वन ही रह गया, माइनस वन यानी जो वैल्यू पहले से पड़ा था माइनस वन भाई, यानी हमारे केस में वो माइनस वन क्या होगा इंट मैक्स, लेकिन आंसर में तो दोबारा से वो माइनस वन करना है, तो इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट में तो लिख ही देता हूँ मैं इसे, तो फोर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन आई प्लस प्लस, कॉपी पेस्ट से गलती ना आ जाए, जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन, हमें अब क्या करना है रिवर्स करना है ना, कि अगर उस पे मैट्रिक्स आई जे पे क्या है इंट मैक्स, तो इंट मैक्स तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए माना था, एक्चुअल में उस पे था क्या माइनस वन, तो बस वही कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, तब इसे कंपाइल करते हैं। आई नॉट डिक्लेयर क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, अब क्या हो गया, अच्छा मैट्रिक्स ठीक है, चल गया सबमिट। ठीक है, इसकी टाइप का देखो ये ब्रूट फोर्स ही है एक तरह से, इसमें कोई ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, इसका ब्रूट फोर्स है। देखो तीन लूप चल रहा है ना, ऑर्डर ऑफ एन की क्यूब, और स्पेस नहीं ले क्योंकि उसी मैट्रिक्स में चेंजेस कर रहे हैं, तो बस इसमें इतना ही
ये पार्ट इसमें बस मेन था कि अगर आई से जे जा रहे हैं तो किसी हर नोड, इस नोड से मैं कि हर नोड पे जा सकता हूँ, अगर डायरेक्ट पाथ हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे जीरो से मैं डायरेक्ट देखो इसके एडजेसेंट तक जा सकता हूँ, एडजेसेंट में क्या क्या है, 3 है और 1 है, लेकिन अगर 2 पे जाना है तो मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी। इसलिए कहा कि हर नोड हर किसी का हेल्प लेगा और अपनी मैट्रिक्स को अपडेट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम के कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हमने कहा -1 नहीं ले सकते, इंट मैक्स ले लिया, सो दैट कि मिनिमम में हेल्प हो थोड़ी, नहीं तो ये -1 ही मिनिमम हो जाता ना हर केस के लिए। फिर ये सिंपल 3 फॉर लूप चला। पहला फॉर लूप की नोड कौन सा है, कि मैं 0 से 0 की हेल्प ले रहा हूँ कि 1 की हेल्प ले रहा हूँ। फिर उसके बाद सिंपल मैट्रिक्स की ट्रैवर्सल के लिए 2 IJ लिया हमने, चेक किया अगर इंट मैक्स नहीं है यानी कुछ वैल्यू पड़ा हुआ है, तो जो पहले वैल्यू था। और अब हम क्या कर रहे हैं, किसी के हेल्प से जा रहे हैं, तो पहले आई से के गया, आई से मुझे जे जाना था, के हेल्प से गया, दोनों का मिनिमम ले लिया। तो बस इसमें इतना ही।